कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर भगवान को 50 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है गौ माता का एक छोटी सी चम्मच से भी आधा चम्मच, आधी चम्मच का भी आधा चम्मच, एक बूंद दूध भी गौ माता का, देसी गाय का जल में मिलाकर अगर शिव जी को समर्पित कर दोगे तो मेरा महादेव प्रसन्न हो जाता है। यह जरूरी नहीं कि 50 लीटर चढ़ाओगे, 100 लीटर चढ़ाओगे, 51 लीटर चढ़ाओगे, 108 लीटर चढ़ाओगे तो महादेव प्रसन्न होगा। ना ना ना, शंकर भगवान को रिझाने के लिए तुमको बहुत कीमती शिला की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को रिझाने के लिए बहुत कीमती पत्थर पाषाण की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को रिझाने के लिए सोने के आभूषण की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को रिझाने के लिए तो तुम किसी भी बगीचे की एक मुट्ठी मिट्टी को उठा लो, उसको उसन लो और उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर लो, मेरा महादेव 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर लेता है।